नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका डिफेंस डिकोड पे। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्या इंडियन एयरफोर्स को अपने तेजस मार्क 2 को डेवलप करने का प्लान ड्रॉप करके सारा का सारा फोकस एमका पे डालना चाहिए। तो जी हां दोस्तों, इसी को लेके हमारे एक बिग ब्रदर जैसे डिफेंस एनालिस्ट हैं यूसुफ उज्वला, तो उनके कुछ पॉइंट ऑफ व्यू इस रिगार्ड में मेंशन करेंगे और उसके बाद लास्ट में मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू को कवर करूंगा। तो यहां पे यूसुफ भाई का मानना यह है कि अगले 50 सालों तक इंडिया को अपने एडवर्सरीज पे एक तरह का एज बनाए रखने के लिए हमें अभी मार्क 2 के जो डेवलपमेंट होना है तकरीबन 200 मार्क 2 का, उसको ड्रॉप करना चाहिए और एमका पे फोकस करना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो हम 2060-2070 में भी LCA मार्क 2 को ऑपरेट कर रहे होंगे। और इसके तर्क में उनका मानना यह है कि LCA मार्क 2 जो कि पहले तकरीबन 13 टन का एयरक्राफ्ट होने जा रहा था, लेकिन उसको IAF के रिक्वायरमेंट के हिसाब से मीडियम वेट कैटेगरी का एयरक्राफ्ट बना दिया गया, लेकिन उसका जो इंजन था और उसकी जो थ्रस्ट पावर थी वो उतनी ही है। और उसके बाद भी इसको एक मीडियम वेट कैटेगरी का फाइटर बनाया गया जो कि कम्प्लीटली एक नया फाइटर है। हालांकि जब भी आप कोई फाइटर जेट प्रीवियस वर्जन से डिराइव करके बनाते हो तो आपको उस पे जो फ्लाइट टेस्टिंग वगैरह करनी होती है उसमें ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती है। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, मार्क 2 के केस में इसको आपने मीडियम वेट कैटेगरी का फाइटर बना दिया है एक लिमिटेड थ्रस्ट इंजन के साथ। तो इसमें जो फ्लाइट टेस्ट की रिक्वायरमेंट है वो बहुत रिग्रेस होने वाली है और जिसके लिए कई साल जाने वाले हैं। और इसके ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो बना चुके हैं कि क्यों तेजस मार्क 2 में टाइम लग जाएगा। आप यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो। तो इसीलिए ऐसा बताया जा रहा है कि इसका जो मास प्रोडक्शन है वो आपको 2026-27 से पहले आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो कि कहीं ना कहीं IAF के लिए एक प्रेजेंट सिचुएशन नहीं है, क्योंकि IAF की जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है वो ऑलरेडी ड्रॉप हो रही है। वहीं पर अगर आप दूसरी तरफ देखते हो चाइना की तरफ, तो चाइना ऑलरेडी 2/5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट डेवलप करने के कगार पे है, जिसमें से उनका एक हैवी फाइटर जेट J-20 ऑलरेडी एक ट्विन इंजन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है। वहीं पे चाइना इसका एक और वेरिएंट जो कि मीडियम वेट कैटेगरी का होगा FC-31 उसको भी डेवलप करने में लगा हुआ है और ऐसा अनुमानित है कि उसको वो पाकिस्तान को सप्लाई कर देगा। तो जिसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि पाकिस्तान के पास जो 5th जनरेशन की टेक्नोलॉजी है वो हो सकता है कि इंडिया से पहले पहुंच जाए। वहीं पे दूसरी तरफ देखते हो तो LCA प्रोग्राम में ऑलरेडी 10,000 करोड़ रुपीज इन्वेस्ट किए जा चुके हैं और 83 मार्क 1A के नेगोशिएशन में भी इसको तकरीबन 45,000 करोड़ रुपए पे नेगोशिएट किया गया है 83 मार्क 1A के लिए IAF और HAL के बीच में। और जिसका परिणाम ये हुआ है कि एक फाइटर जेट की कॉस्ट तकरीबन 542 करोड़ रुपीज पड़ रही है, मतलब $77 मिलियन, जो कि आप रफली कंपेयर करते हो जो कि अभी हाल ही में पोलैंड को F-35 बेचा गया है $80 मिलियन से नीचे का ही बेचा गया है। हालांकि उसमें जो वेपन पैकेज था वो इंक्लूड नहीं था, लेकिन एक ब्रॉड सेंस में आप कंपेयर करते हो तो एक ऐसा फाइटर जो कि 4th जनरेशन का है उसकी प्राइस 5th जनरेशन के फाइटर के इक्वल बैठ रही है। वहीं पे जो मार्क 2 होगा जिसकी प्राइसिंग 90 से लेकर $100 मिलियन बैठेगी। तो कुछ इस तरह का कंपैरिजन यूसुफ भाई ने किया है। अगर वहीं पे मैं अपना ओपिनियन इंक्लूड करना चाहूंगा तो इस प्राइस के पॉइंट को डिफेंड करना हो तो इसको दो पॉइंट ऑफ व्यू से डिफेंड किया जा सकता है। आपका पहला है कि आप एक पैट्रियट की तरह सोचो और उस हिसाब से आप ये सोचोगे कि अगर इंडिजिनस प्रोडक्ट 2 रुपए महंगा भी मिल रहा है तो हम उसकी तरफ जाएंगे, उससे हमारा जो इकोसिस्टम है और जो इकोनॉमी है और एरोस्पेस इकोसिस्टम है वो डेवलप होगा। तो इस आर्गुमेंट को इस तरह से काउंटर किया जा सकता है। लेकिन अगर आप अपने आप को IAF के शूज में रखते हो तो आप ये देखोगे कि अगर एक ही प्राइस पे आपको वर्ल्ड का बेस्ट एयरक्राफ्ट मिल रहा है तो आप उसकी तरफ जाना चाहोगे, क्योंकि किसी भी फाइट के दौरान आपका दुश्मन ये नहीं देखेगा कि आप स्वदेशी एयरक्राफ्ट उड़ा रहे हो या फिर विदेशी। वहां पे सिर्फ एयरक्राफ्ट की क्वालिटी ही आपको बचा सकती है। तो अगर वहां पे स्वदेशी एयरक्राफ्ट मार खा गया तो हम ही होंगे एयरफोर्स की क्वालिटी पे क्वेश्चन मार्क लगाने वाले। तो इस नजरिए से आप अगर देखोगे तो यूसुफ का जो ये पॉइंट कंपैरिजन है वो कुछ हद तक वैलिड है। और वैसे भी मार्क 2 इंडियन एयरफोर्स में 2026-27 से पहले इंडक्ट होने नहीं जा रहा है, तो इसीलिए इनका मानना यह है कि मार्क 2 को ड्रॉप करके हमें एमका पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि एमका पे हम ऑलरेडी कई दफा कॉम्प्रोमाइज कर चुके हैं LCA के चक्कर में, और अब IAF को अपने ASQR को डिफाइन करके एमका पे पूरी फंडिंग और फोकस देना चाहिए, न कि किसी 4th जनरेशन फाइटर MWF को। जहां तक उम्मीद है 2035-2040 तक राफेल और Su-30 MKI को छोड़ के जितने भी एयरक्राफ्ट हैं IAF की इन्वेंट्री में, चाहे वो MiG-29 हो, जैगुआर हो, मिराज हो, ये सारे के सारे रिटायर हो जाएंगे। और उस दौरान अगर हम 2027-2028 में MWF को इंडक्ट करते हैं जो कि एक 4th जनरेशन का फाइटर होगा, तो इसका मतलब ये है कि अगले 40 सालों तक, मतलब 2060-2065 तक हम MWF को उड़ा रहे होंगे जो कि एक 4th जनरेशन का फाइटर होगा। तो 2070 में MWF को उड़ाना अपने आप में ही एक वाइज ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि वो एक 4th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। और दूसरी तरफ अगर आप देखते हो तो इंडिया ऑलरेडी FGFA से बैकआउट कर चुका है कुछ टेक्निकल रीजन देके और लैक ऑफ क्वालिटी का रीजन देके। और वहीं पे US F-35 को ऑफर इंडिया को करने नहीं जा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी हमने S-400
खरीद लिया है। तो इन सब चीजों को देखते हुए और एमका के करंट स्टेटस को देखते हुए, जो कि ऐसा अनुमानित है का जो इंडक्शन है आईएएफ में वो 2030 के बाद ही होगा और 2032-33 तक मास प्रोडक्शन की उम्मीद आप लगा सकते हो। तो कुछ इस तरह की अगर टाइमलाइन रहती है तो आपको एक फुल ऑपरेशनल एमका 2040 तक इंडियन एयरफोर्स में देखने को मिल सकता है, जो कि काफी लेट हो जाएगा क्योंकि उस समय तक काफी कंट्रीज 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट ऑपरेट करने के काबिल बन गई होंगी। वहीं पे दूसरी तरफ इंडियन नेवी भी नेवी के एमका का वेट कर रही है। उन्होंने ऑलरेडी एलसीए के कैरियर ऑपरेटेड एयरक्राफ्ट को रिजेक्ट कर दिया है और वो एक ऐसे फाइटर जेट का वेट कर रहे हैं जो कि ट्विन इंजन का हो, जिसके पास एक अच्छा खासा पावर हो और वो इसकी जंप कर सके कैरियर से एक अच्छे खासे पेलोड के साथ और जिसके पास स्टेल्थ कैपेबिलिटी भी हो। तो ये सारी चीजें नेवी को भी नेवल एमडब्ल्यूएफ में नहीं मिलने जा रही है क्योंकि वहां पे भी वो एक सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है। तो अगर इंडिया ऐसा करता है और मार्क टू को कैंसिल करके एमका पे फोकस करता है तो जो आईएएफ की स्ट्रेंथ गिर रही है उसको सपोर्ट करने के लिए इंडिया के पास कोई प्रोग्राम नहीं होगा। तो इस तरह की कंडीशन से बचने के लिए एक यहां पे सजेशन दिया गया है इनके द्वारा। तो यहां पे बताया जा रहा है कि राफेल के कुछ और स्क्वाड्रन आईएएफ को इंडक्ट कर लेने चाहिए, जैसे कि 3-4 स्क्वाड्रन और जो एमआरसीए 2 प्रोजेक्ट है उसको स्क्रैप कर देना चाहिए और उसके जो भी 15-16 बिलियन रुपीज़ हैं उन सबको एमका पे लगाना चाहिए और एमका को जल्द से जल्द मैन्युफैक्चर करना चाहिए, क्योंकि अगर आईएएफ अभी एमका को फास्ट ट्रैक नहीं करती है तो 2035-40 तक बहुत देर हो जाएगी और ज़्यादातर देश 6th जनरेशन फाइटर की तरफ बढ़ चुके होंगे और हो सकता है आपको मजबूरन एक 5th जनरेशन फाइटर खरीदना पड़ जाए, चाहे वो पाकफा ही क्यों ना हो, और ये कंडीशन हम देखना नहीं चाहते, इसलिए हमको अभी एमका पे फोकस करना होगा। तो ऐसा कुछ मानना है और अब इस पूरे पॉइंट ऑफ व्यू पे मैं अपना ओपिनियन रखना चाहूंगा। तो यहाँ पे मार्क टू को स्क्रैप करने को लेके जो भी पॉइंट्स रखे गए हैं उन सब से कुछ हद तक एग्री करता हूँ मैं, लेकिन जो यहाँ पे हमारा मेन फैक्टर है वो क्या है, मार्क टू के इंजन का लेस पावरफुल होना, यही एक मेन फैक्टर के रूप में मैं देख सकता हूँ अभी। अगर ये प्रॉब्लम किसी तरह से सॉल्व हो जाती है तो एक अच्छे खासे एयर फ्रेम के साथ जिसकी हेल्थ अच्छी हो, जिसके अंदर क्वालिटी एवियोनिक्स हो, जिसका वेपन पैकेज वर्ल्ड क्लास हो, तो इस तरह के एयरक्राफ्ट को अगर आप 2050-2055 में उड़ाते हो तो उससे बुरा नहीं माना जाएगा। उसके सर्वाइवल के लिहाज से इन जो अभी मेन फैक्टर है वो थ्रस्ट टू टेक ऑफ वेट का रेशियो है हमारे मार्क टू का, वो कहीं ना कहीं इंडियन नेवी के लिए भी और आईएएफ के लिए भी, दोनों के लिए भी चिंताजनक है। और वैसे भी जो भी टाइमलाइन यूसुफ भाई ने मेंशन की है वो सभी टाइमलाइन एग्जैजरेट की गई है, क्योंकि वो बता रहे हैं कि मार्क टू का जो प्रोडक्शन है वो 2030 के बाद होगा, जो कि अगर आप रियलिस्टिक देखते हो तो इस बारे में एडीए और हेल दोनों ने ये क्लेम किया है कि इसकी प्रोडक्शन लाइन को वो 2025 तक मास प्रोडक्शन के लिए तैयार करने वाले हैं। तो अभी यूसुफ के द्वारा जो भी टाइमलाइन मेंशन किया जा रहा है उसके क्रेडिबिलिटी भी मार्क टू को स्क्रैप करना ये सिर्फ उनके ओपिनियन में हो सकता है। अब बात करते हैं जो उन्होंने एमका के टाइमलाइन के बारे में बताया है कि एमका 2040 तक मास प्रोडक्शन में जाएगा, तो इस टाइमलाइन को भी भाई साहब ने थोड़ा सा एग्जैजरेट किया हुआ है, क्योंकि इस बारे में ऑलरेडी एमका प्रोजेक्ट के मैनेजर एयरो इंडिया शो के दौरान ये कह चुके हैं कि वो एमका के मास प्रोडक्शन को लेके 2032 तक का टारगेट बनाए हुए हैं। तो यहाँ भी जो भी इनका क्लेम है कि मार्क टू प्रोग्राम को स्क्रैप कर देना चाहिए वो कम्प्लीटली बेस्ड है उनके द्वारा साइड किए गए इन दोनों प्रोग्राम के टाइमलाइन पे, जो कि एक्चुअल रियलिटी से कितना मेल खाएगा ये कह नहीं सकते। हालांकि इनके इस आर्टिकल पे कई अदर डिफेंस एक्सपर्ट्स ने कुछ तीखी राय जरूर दी है, लेकिन इस बारे में आप लोगों क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी गिव अस अ लाइक, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। जय हिंद।